आप जानते हैं कि आपको 50 परसेंट डीएनए अपने फादर से मिलता है और 50 परसेंट डीएनए अपनी मदर से मिलता है जिसकी वजह से कुछ चीजें आपकी होंगी कुछ कैरेक्टर्स आपके होंगे जो आपके अपने फादर से मैच करते होंगे और कुछ आपकी मदर से राइट तो ये जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ इसी को बोलते हैं हेरिडिटी तो बोर्ड्स में पूछा जा चुका है डिफाइन हेरिडिटी तो द ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन यानी पास ऑन होना ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी अब देखिए जो ट्रेट्स या जो कैरेक्टर्स आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स जैसे कि सपोज आपकी नाक आपके पापा जैसी है या आपके बालों का कलर आपकी मम्मी जैसा है तो ये ट्रेट्स आपने अपने पेरेंट्स से रिसीव किए हैं नाउ अगर मैं आपसे पूछूं इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं या इनके फीचर्स क्या होते हैं तो ये वो रेट्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं अब तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से किसके थ्रू मिलते हैं डीएनए के थ्रू राइट right? तो ऑब्वियसली बात है कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को डीएनए में चेंज लाना पड़ेगा तभी तो वो इनहेरिट होंगे राइट right? तो ये भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि दे अकर ड्यू टू चेंज इन डीएनए एक और पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं दैट दे लीड टू एवोल्यूशन उसके बाद आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं नोज शेप हेयर कलर एट्सेट्रा अब इसी के जस्ट ऑपोजिट होते हैं एक्वायर ट्रेट्स यानी वो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो ऑर्गनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है जैसे कि कोई नई लैंग्वेज सीखी तो बच्चा बोलते हुए तो पैदा नहीं होता या कोई गेम खेलना सीखा तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम ये नेक्स्ट जेनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकती ना ही इनमें डीएनए में कोई चेंज इन्वॉल्व होगा एंड दे डू नॉट रिजल्ट इन एवोल्यूशन क्लियर नाउ ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी को ट्रेड्स के पास ऑन होने को समझने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ये पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा किया और इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं नाउ मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके लिए उन्होंने पी प्लांट्स यानी मटर के पौधों का यूज़ किया अब पी प्लांट्स में इन्होंने बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया जैसे प्लांट हाइट सीड शेप सीड कलर और इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने हेरिडिटी को स्टडी किया तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें हमें पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनो मतलब एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने केवल एक कैरेक्टर को स्टडी किया प्लांट हाइट दो कॉन्ट्रास्टिंग हाइट वाले पी प्लांट्स लिए टॉल और शॉर्ट अब मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इन प्लांट्स को टॉल और शॉर्ट कैरेक्टर दे रहे हैं वो अब हम जानते हैं कि क्रोमोजोम्स और उनमें प्रेजेंट जीन्स होती हैं जो प्लांट को ये कैरेक्टर दे रही हैं लेकिन मेंडल के जमाने में लोगों को क्रोमोजोम्स या जीन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो इसलिए मेंडल ने उन्हें कहा फैक्टर्स अब जो फैक्टर्स या जीन्स पी प्लांट को टॉल कैरेक्टर दे रही हैं उसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी कैपिटल टी से ऐसे ही शॉर्ट हाइट के लिए जो कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें डिनोट किया स्मॉल टी स्मॉल टी से ठीक नाउ कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ये दो बार क्यों लिया हमने क्योंकि पी प्लांट्स डिप्लॉयड होते हैं तो हर एक क्रोमोसोम के दो सेट्स होंगे ऑल राइट right? अब मेंडल ने इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करा दिया तो ये हुई पेरेंटल जेनरेशन अब रिप्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली गैमीट्स बनेंगे गैमीट्स होते हैं हेप्लॉयड यानी क्रोमोजोम्स का एक ही सेट प्रेजेंट होगा तो टॉल प्लांट जो गैमीट्स बनाएगा उनमें कैपिटल टी जीन होगी और शॉर्ट प्लांट जो गैमिट फॉर्म करेगा उसमें स्मॉल टी जीन होगी अब ये गैमीट्स एक दूसरे से फ्यूज होंगे और उनसे बनेगी फर्स्ट फिलियल जेनरेशन यानी एफ वन जेनरेशन तो एफ वन जेनरेशन में जो प्लांट्स बनेंगे उनकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि पहला कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से फ्यूज कर जाए तो इससे जो पी प्लांट बनेगा उसके जीन्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी से फ्यूज कर जाए ऐसे में भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी है ना अब ऐसे ही थर्ड और फोर्थ केस में भी जिसमें पहला कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी से और दूसरा कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से फ्यूज करेगा इन केसेस में भी जो ऑफ फॉर्म होगी उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी जब मेंडल ने यह एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें एफ एन जेनरेशन में सारे के सारे पी प्लांट्स टॉल मिले तो जो फिजिकल कैरेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप पी से फिजिकल और पी से फिनोटाइप और जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन या जो जीन्स इस फिजिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन का फीनोटाइप मेंडल ने ऑब्जर्व किया दैट ऑल पी प्लांट्स वर टॉल और इससे हमें यह समझ में आया कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में प्रेजेंट होंगे तो केवल कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होता है और स्मॉल टी बेचारा एक्सप्रेस नहीं हो पाता है तो इस बात को समझने के लिए मेंडल ने कहा कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है क्लियर बहुत बढ़िया अब मेंडल ने क्या किया कि F1 वन जेनरेशन के दो प्लांट्स लिए और दोनों को फ्यूज करा दिया यानी कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज विथ कैपिटल टी स्मॉल टी अब आप मुझे बताइए कि इस केस में किस तरह के गैमीट्स बनेंगे एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी राइट ऐसे ही दूसरे प्लांट्स में भी सिमिलर गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी अब ये गैमीट्स फ्यूज करके बनाएंगे एफ टू जेनरेशन या सेकेंड फिलियल जेनरेशन तो अब इसमें ज्यादा गैमीट्स इन्वॉल्व हैं और ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसलिए हम चीजों को ईजी करने के लिए यहां पर बनाएंगे प्यूनेट स्क्वायर ऑल राइट कैसे बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर बहुत ही ईजी है सबसे पहले हमें बनाना है एक स्क्वायर और उसके लेफ्ट साइड पे लिखना है पहले पेरेंट के गैमीट्स को और ऊपर की साइड लिखना है दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को All right, अब इन गैमीट्स को फ्यूज करेंगे तो सबसे पहले बॉक्स में हमें क्या मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी थर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी और फोर्थ में स्मॉल टी स्मॉल टी ये होगा F2 टू जेनरेशन का जीनो टाइप. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका फीनो कैसा होगा यानी क्या फिजिकल कैरेक्टर्स ही शो कर रहे होंगे तो देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी यानी टॉल दूसरा और तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल लास्ट वाला होगा राइट right? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एफ टू जेनरेशन का फीनो टाइपिक रेशियो क्या होगा तो हम कहेंगे थ्री टॉल रेशियो वन शॉर्ट यानी थ्री इंस टू वन का रेशियो होगा ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि जीनो रेशियो क्या होगा तो हम कहेंगे वन कैपिटल टी कैपिटल टी टू कैपिटल टी स्मॉल टी और वन स्मॉल टी स्मॉल टी यानी जीनो रेशियो हुआ वन इज टू टू इज टू वन तो ये हो गया कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस अब आपके एनसीआर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव अगर आपसे ये बोर्ड्स में पूछ दिया जाए तो आप कैसे आंसर करेंगे इसमें बेसिकली आपको पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताना पड़ेगा तो इस पूरे क्रॉस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा नाउ जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम प्लांट के एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे थे जो कि था प्लांट हाइट डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई यानी दो तो इसमें मेंडल ने प्लांट के दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया सीड शेप एंड सीड कलर अब पी प्लांट्स में सीड का शेप या तो राउंड होता है या रिंकल्ड और कलर की अगर बात करी जाए तो सीड्स या तो येलो होंगी या ग्रीन मेंडल ने दो तरह के सीड्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट लिए एक जो राउंड और येलो सीड्स बनाता था और एक जो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स बनाता था अब सीड का ये जो फिजिकल शेप और कलर है उसे बोलते हैं फिनोटाइप और इस फिनोटाइप के लिए जो हैं, उसे बोलते हैं जीनोटाइप। मेंडल ने राउंड शेप के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर कैपिटल आर से और येलो कलर के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई कैपिटल वाई से ऐसे ही शेप के जीनो को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर स्मॉल आर से और ग्रीन कलर के जीनो को रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई स्मॉल वाई से क्लियर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसे हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है यानी इस केस में राउंड शेप और येलो कलर डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑल राइट अब मेंडल ने इन दोनों प्लांट्स को फ्यूज करा दिया तो ये हुई पेरेंटल जेनरेशन तो अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा पहले केस में दो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे ही दूसरे प्लांट के केस में स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये गैमीट्स फ्यूज होंगे और बनाएंगे एफ वन जेनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल जेनरेशन तो फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी उसे डिटरमाइन करने के लिए हम बना लेते हैं प्यूनेट स्क्वायर इसे कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था सबसे पहले बनाएंगे एक स्क्वायर और इसके लेफ्ट साइड लिखेंगे पहले पेरेंट के गैमीट्स को ऊपर की साइड लिखेंगे दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को तो पहले बॉक्स में हमें क्या मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे ही सारे बॉक्सेस में हमें यही मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब यह हो गया एफ वन जेनरेशन का जीनोटाइप तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ वन जेनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा तो देखिए हमें पता है कि राउंड एंड येलो डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड ग्रीन और जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन साथ में प्रेजेंट होती हैं तो हमें पता है कि केवल डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस हो पाती है तो एफ वन जेनरेशन राउंड एंड येलो इतना क्लियर बहुत बढ़िया अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वैसे तो बहुत इजी है लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है देखिए मेंडल ने नेक्स्ट क्या किया कि उन्होंने इसी वन जनरेशन से दो प्लांट्स लिए और दोनों को फ्यूज करा दिया अब आप मुझे ये बताइए कि यहां कितने टाइप के गैमिट्स फॉर्म हो सकते हैं ध्यान रहे कि जब भी गैमिट्स फॉर्म होंगे तो उसमें एक शेप का जीन होना चाहिए और एक कलर का तो उस हिसाब से यहां चार तरह के गैमिट्स बन सकते हैं पहला होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई और फोर्थ स्मॉल आर स्मॉल वाई सिमिलरली दूसरे प्लांट के भी यही चार तरह के गैमीट्स बनेंगे अब ये गैमीट्स होंगे फ्यूज और बनाएंगे एफ टू या सेकेंड फिलियअल जेनरेशन तो अब तो इतने सारे गैमिट्स इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली प्यूनिट स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा सो so अगेन बनाएंगे एक स्क्वायर जिसके लेफ्ट साइड लिखेंगे पहले पेरेंट के गैमीट्स को और ऊपर के साइड लिखेंगे दूसरे पेरेंट के गैमिट्स को और इनको कराया फ्यूज तो पहले बॉक्स में बताइए क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और ऐसा प्लांट कैसी सीड्स प्रोड्यूस करेगा राउंड एंड येलो दूसरे बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये सीड्स भी होंगे राउंड एंड येलो तो आप इस तरह से एक एक करके जीनोटाइप और फिनोटाइप साथ साथ में निकाल सकते हैं और जब आप इन बॉक्सेस को भरते जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा एक ट्रिक और है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं कि आप नॉर्मली इन जीनो को लिख के ये देख सकते हैं कि जहाँ भी एक या दो कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में प्रेजेंट होंगे जिन्हें यहाँ येलो कलर से लिखा हुआ है वो सारे सीड्स होंगे राउंड एंड येलो और इसको जब टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे Nine. इसी तरह से जहां भी एक या दो कैपिटल आर प्रेजेंट हैं मगर उसके साथ केवल स्मॉल वाई ही है तो ऐसे जीनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे राउंड एंड ग्रीन सीड्स जिन्हें ब्लू कलर से लिखा हुआ है और इनको टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे थ्री अब नेक्स्ट अगर स्मॉल आर के साथ एक या दो कैपिटल वाई प्रेजेंट हैं तो प्रोड्यूस होंगे रिंकल्ड येलो टाइप के सीड्स जो पिंक कलर से हैं और ये हैं टोटल थ्री और लास्टली जहाँ पे केवल स्मॉल आर और स्मॉल वाई ही साथ में प्रेजेंट हैं वो प्रोड्यूस करेंगे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स और ये आप यहाँ देख सकते हैं एकदम लास्ट में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ऐसा एक ही प्लांट प्रोड्यूस हुआ है तो फाइनली अगर हम इन फिनो का रेशियो निकालें यानी ये राउंड येलो रेशियो राउंड ग्रीन रेशियो रिंकल्ड येलो रेशियो रिंकल्ड ग्रीन तो हमें मिलेगा फिनोटाइपिक रेशियो नाइन इस टू थ्री इज टू थ्री इज वन नाउ इसका जीनोटाइपिक रेशियो मैंने यहां आप लोगों को दे दिया है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्टली आपसे क्वेश्चन क्रॉस और फिनोटाइपिक रेशियो से ही पूछे जाते हैं तो इसको आप ज्यादा अटेंशन देंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ऑल राइट नाउ मूविंग ऑन टू मेंडल्स लॉज इसमें आपको स्टेटमेंट्स नहीं पूछे जाते हैं लॉ के लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ तीन लॉज हैं पहली लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहती है कि भाई जब भी हीट्रोजाइगॉट कंडीशन होगी हीट्रोजाइगॉट मतलब एक ही कैरेक्टर के दो एलियल्स साथ में प्रेजेंट होंगे जैसे कि हमने पी प्लांट लिया विथ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी तो ऐसे में क्या होगा कि जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है और दूसरा ट्रेट जो रिसेसिव होता है वो नहीं हो पाता बस इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो ये कहता है कि जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है यानी मान लीजिए हमारे पास पी प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसमें जब भी गैमीट्स बनेंगे तो उन गैमीट्स में जीन का एक ही कॉपी जाएगा यानी या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी ये दोनों कभी साथ में नहीं जाएंगे एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे बस यही बताती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तीसरी और लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमें देखने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में जहां दो अलग अलग कैरेक्टर्स की बात हो रही है जैसे सीड शेप और सीड कलर ऐसे में जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट्स में ये दोनों ही ट्रेड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगे मतलब ऐसा नहीं है कि जहां राउंड शेप जा रहा है तो उसके साथ येलो कलर का जीन भी जाएगा ही जाएगा येलो भी जा सकता है ग्रीन भी जा सकता है इंडिपेंडेंट है क्लियर बहुत बढ़िया तो चलिए फिर हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन और इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो मैं आपसे टॉपिक कम्प्लीट होने के बाद डिस्कस करूंगी तो ध्यान से सुनिएगा तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये डिटरमाइन होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो मेल होगा या फीमेल नाउ सेक्स डिटरमिनेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में नॉन जेनेटिकली डिटरमाइन होता है और कुछ में जेनेटिकली नॉन जेनेटिकली मतलब इन ऑर्गेनिज्म में जीन्स का रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में तो फिर कैसे होता है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स में इन्वायरमेंटल क्यूज यानी फर्टिलाइज एग किस टेम्परेचर में रखा गया है इस पे डिपेंड करता है कि उसमें से जो एनिमल निकलेगा वो मेल होगा या फीमेल स्नेल्स में एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और सेक्स इनमें चेंज हो जाता है यानी कभी मेल कभी फीमेल तो इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में जीन्स का कोई रोल नहीं है लेकिन ह्यूमंस में सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन होता है तो अभी हम उस प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे देखिए आपको पता होगा कि ह्यूमन सेल में ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि टोटल ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स होते हैं विजुअली अगर इसी चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहूं, तो अगर हम एक न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम्स निकाल के देखें तो फर्स्ट क्रोमोसोम हमने निकाला और ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा यहां देखिए ये फर्स्ट क्रोमोसोम दो के सेट में है एक ये और एक ये ऐसे ही सेकंड के भी दो होंगे थर्ड के भी दो तो इसी तरह 23 पेयर्स होते हैं हर सेल में अब इनमें से जो ये लास्ट 23rd पेयर है इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों क्योंकि यही क्रोमोसोम्स सेक्स को डिटरमाइन करते हैं तो अब हम इसी 23rd पेयर की बात कर लेते हैं अगर फीमेल है तो उसमें ये 23rd पेयर होता है एक्स एक्स और अगर मेल है तो XY यानी एक्स क्रोमोजोम दोनों में होगा चाहे मेल हो या फीमेल और अगर फीमेल है तो उसी के साथ एक एक्स और होगा इसीलिए क्योंकि फीमेल में दोनों क्रोमोजोम्स एक जैसे होते हैं हम इसे बोलते हैं परफेक्ट पेयर लेकिन मेल में होता है एक्स वाई क्रोमोजोम अब ये जो वाई क्रोमोजोम है ये एक्स क्रोमोजोम से छोटा होता है तो परफेक्ट पेयर नहीं बना इसलिए मेल में हम कहते हैं कि मिसमैचड पेयर ऑफ हैं एक जैसे नहीं है एक बड़ा है एक छोटा अच्छा अब हम अगर बेबी के सेक्स की बात कर रहे हैं तो डिसाइड होता है ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या फर्टिलाइजेशन के टाइम कैसे तो उसके प्रोसेस को इस डायग्राम में दिखाया गया है देखिए जब मेल में स्पर्म्स फॉर्म होंगे तो स्पर्म इज अ टाइप ऑफ गैमीट तो स्पर्म दो टाइप के बन सकते हैं या तो उसमें होगा एक्स क्रोमोजोम या फिर वाई क्रोमोजोम लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें एक ही टाइप का एग या गैमेट पॉसिबल है एक्स अब जब फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा तो या तो एक्स क्रोमोजोम कैरी करने वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाले से फ्यूज होगा ऐसे में जो जयगॉट बनेगा उसके क्रोमोसोम्स होंगे एक्स एक्स और उससे जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होगा उसका सेक्स होगा फीमेल ऐसे ही अगर वाई क्रोमोजोम कैरी करने वाला स्पर्म एक्स क्रोमोजोम कैरी करने वाले एग से फ्यूज होगा तो जो जायॉड बनेगा उसमें क्रोमोजोम्स होंगे एक्स वाई और इस जायॉड से जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसका सेक्स होगा मेल क्लियर तो के केस में हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड या फिर फादर मेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड जो चाइल्ड अपने फादर से एक्स क्रोमोजोम कैरी करने वाला स्पर्म इनहेरिट करेगा उसका सेक्स हो जाएगा फीमेल और जो चाइल्ड वाई क्रोमोजोम इनहेरिट करेगा वो हो जाएगा मेल तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस या फिर बोर्ड्स में पूछा जा चुका है ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ न्यूबोर्न चाइल्ड एक्सप्लेन तो इसमें आपको सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन एक्सप्लेन करना होगा ऑल